जैसे पढ़ाई का प्रेशर है, करियर का प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, रात को सोने के होश नहीं, सुबह उठने के होश नहीं, लाइफ स्टाइल इतनी डिस्टर्ब हो चुकी है लोगों की, तो क्या सर लाइफ स्टाइल भी हमारे हेयर हेल्थ को इफेक्ट करती है? बिल्कुल डॉक्टर ममता, जो हमारा पूरा लाइफ स्टाइल है उससे ही लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर पैदा होते हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि जितने भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो ब्लड शुगर का बढ़ना है, चाहे वो हाइपर टेंशन या ब्लड प्रेशर का बढ़ना है, थायराइड का आना है, स्ट्रेस डिप्रेशन एनजाइटी का आना है, स्किन की समस्याएं हैं, बालों की समस्याएं हैं, वो सारी की सारी हमारे लाइफस्टाइल से आ रही हैं। आपको अपने आप को बैलेंस रखना होगा, आपकी डाइट भी अच्छी होनी चाहिए, आप फिजिकल एक्टिव भी रहने चाहिए, 7 से 8 गिलास पानी, 7 से 8 घंटे की नींद, अगर स्ट्रेस है तो थोड़ा सा मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी अगर आपको अपने स्वास्थ्य अच्छा रखना है, यदि आपको अपने बाल अच्छे रखने हैं और यदि आपको जीवन के अंदर हर तरह की सफलता के साथ साथ खुशियाँ भी चाहिए, तो आपका लाइफस्टाइल बैलेंस्ड होना चाहिए, वो हर तरह से अच्छा होना चाहिए, तभी आपका स्वास्थ्य और बाल भी अच्छे रहेंगे। जैसा कि आपने बताया कि हेयर जो होते हैं वो हमारी हेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी हेल्थ कहीं ना कहीं हमारी डाइट पे डिपेंड करती है, तो सर हेल्दी हेयर के लिए क्या डाइट प्लान होना चाहिए? देखिए, बालों के लिए कोई अलग से स्पेशल डाइट नहीं होती, जो डाइट आपके शरीर के लिए अच्छी है, संतुलित है, वही बालों के लिए भी अच्छी होती है। हमारा जो बाल है वो प्रोटीन से बना होता है, केराटिन नाम का प्रोटीन बाल को बनाता है, तो इसलिए हमें बालों को अच्छे ढंग से काम करने के लिए खूब सारी मात्रा में प्रोटीन चाहिए। हमें पता है कि हमारे शरीर को अच्छा मेटाबोलाइज होने के लिए, रीजनरेशन के लिए, टॉक्सिन्स को दूर निकालने के लिए बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन चाहिए, जिससे सेल की रीजनरेशन भी होती रहे, टूट फूट जो हमारे शरीर में हो ये वो भी ठीक होती रहे, मेटाबॉलिज्म चयापचय भी हमारा ठीक चलता रहे, ठीक है। तो उसके लिए हमारा शरीर के अंदर बहुत सारे मिनरल चाहिए, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इसके अलावा ट्रेस एलिमेंट्स चाहिए, कॉपर भी चाहिए, आयरन भी चाहिए, जिससे आपका एचबी भी ठीक रहे, और एचबी ठीक रहेगा तो ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा। तो आपको संतुलित भोजन चाहिए जिसके अंदर दालें हो, प्रोटीन आपको दालों से मिल सकता है, पनीर से, दूध से, दही से मिल सकता है, मिनरल्स आपको हरी सब्जियों और फल से मिल सकते हैं, इसके अलावा आपको 7 से 8 गिलास पानी पीना है। अभी पिछले 1 महीने पहले ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए पूरा डाइट चार्ट दिया है, आपकी थाली के अंदर, आपके भोजन के अंदर क्या क्या अवयव होने चाहिए, क्या क्या तत्व होने चाहिए, कितनी मात्रा में होने चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, वो आप वीडियो मेरे दूसरे चैनल मुकेश अग्रवाल पे जाके आप देख सकते हैं। आपके स्वास्थ्य के लिए जो अच्छा है वही आपके बालों के लिए अच्छा है, बस आप ध्यान ये रखिए कि वो संतुलित भोजन आपको नियमित चाहिए, ये नहीं है कि आपने कुछ दिन वो कर लिया और फिर आपने अपना भोजन खराब कर लिया तो आपके बाल अच्छे रहेंगे। तो आपको नियमित रूटीन के अंदर डेली आपको संतुलित भोजन चाहिए, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स संतुलित मात्रा में हो।